हाँ बताइए क्या कुछ बनाया आपने। हाँ हमने ये बनाया है जैसे कपड़ा स्टैंड और जूता स्टैंड, इसमें अलग अलग तरह की गाँठे और लेसिंग भी की है हमने, हाँ और ये कपड़ा स्टैंड पूरा और नीचे जूता स्टैंड बनाया है, ठीक और आगे हमने और ये बनाया हमने झूला, है जी। ये पूरा झूला बनाया है, इसमें साइड में लेसिंग की हुई है अच्छे से, और ये झूला है, ठीक है चलिए चलिए आगे आगे। ये मटकी स्टैंड। सर ये हमने जो है मटकी स्टैंड बनाया, इसे ट्राईपॉड कहते हैं। यहाँ पे डायगनल लेसिंग है और ये हमने मटकी रखी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हम बाल्टी रख सकते हैं, मटका लगा सकते हैं। आइए हाँ बताओ। ये हमने बनाया है चूल्हा, वहाँ पर दो तरह के गड्ढे हैं। डस्टबिन बनाया सर, वो वहाँ पे दो तरह के, एक ये सूखा है, चिल्ला है, एक सूखा डस्टबिन है, एक गीला डस्टबिन है, और ये लकड़ियाँ और ये उसका सामान, और वो पीछे गिलास का स्टैंड। और हाँ जी क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो। हम जोधपुर संभाग से हैं, विथी शर्मा नाम है। अच्छा ये जो आपने लेआउट तैयार किया है तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों तैयार किया ये। हमने लेआउट तैयार किया है, एक कंपटीशन है, और हम ये दिखाना चाह रहे थे कि हम किस तरीके से डेली यूज में चीजें जो है रखी है हमने। यहाँ पे आपको सोफा दिखेगा, वहाँ पे बेड है, बीच में टेबल है, एक हमने एक घर का नज़ारा दिखाया है कि हम किस तरीके से कैंप को, जो हमारा कैंप है, टेंट होता है, उसको हम किस तरीके से एक हमारे घर की तरह सजाते हैं और रहते हैं। और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तथा उनमें अपनी प्रतिस्पर्धा के आधार के ऊपर ये एक दूसरे के बीच में कंपटीशन कराए जा रहे हैं। इनके अंदर एडवेंचर की गतिविधियां हैं, डांस की कंपटीशंस हैं, मेहंदी व रंगोली की कंपटीशंस हैं, निबंध से संबंधित कंपटीशन हैं, और ये अपने वाद विवाद कंपटीशंस हैं। ये कैंप लगाए सभी बच्चों ने खुद से तैयार किए हैं। हाँ ये जितनी भी सारी इधर ये मैंने दिख रही है सारी बच्चों ने स्वयं ने तैयार की है। यह जो आप देख रहे हो सामने नज़ारा, यह जोधपुर संभाग के द्वारा तैयार किया गया है, और ये जो मेहनत जितनी भी दिख रही है ये सारे बच्चों ने दिन रात एक करके यह सारा पोजिशन तैयार किया है। और सभी बच्चों में अभी ऐसा माहौल बना हुआ है कि हमें प्रथम स्थान आना है, हमें प्रथम स्थान आना है। तो हमारा मानना है कि अगर यही भावना अगर स्काउटिंग बच्चों के अंदर पैदा करती रहेगी तो अपना देश का एक भविष्य अच्छा होगा।